राहुल, अन्वेषा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन दिया है, ठीक है राशि, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप सुनेंगे सभी, अनुभव, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है? वन। मैंने आपको बताया कॉस में बदलना है पहली चीज, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर को क्या करें, उधर ले जाए, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, अरे सुनो तो सही, अब बस इतना हमने निकाल के रख लिया, इससे यार कुछ हो तो नहीं सकता। सुनिए, हाँ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, कॉस की पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर जरूरत होगी तो जरूर करेंगे, अभी मुझे लिख नहीं रहा और रटके में आया नहीं हूँ। सुनो, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने पकड़ लिया कॉस टू दी पावर, अच्छा पकड़ने के साथ साथ अभी इसमें कोई चेंजिंग भी करता हूँ, एक स्टेप बचेगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। कॉस टू दी पावर 12 है, 3 कॉस टू दी पावर 10 है, 3 है और कॉस टू दी पावर 6 है, बाकी इन तीनों में आगे 2 लग रहा है, इससे मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, एक पेयरिंग तो इनकी बनेगी क्योंकि सब में 2 है और इनमें किसी में भी आगे 2 नहीं है, लेकिन इन दो में आगे 3 है। अगर मैं आपसे बहुत जल्दी से ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पूछना चाहूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए, यही फॉर्मूला होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है। दो में 3 आ रहा है, दो जगह 3 आ रहा है, इसमें कॉस टू दी पावर 6 है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप बन सकता है, लग रहा है, अब बना के देखते हैं। तो पूरा प्रयास किया यहाँ पे यश ने कि इसको क्यूब कैसे बनाया जाए, तो यश ने क्या किया, कॉस टू दी पावर 4 का होल क्यूब लिख लिया। क्या इन्होंने गलती की? अरे 4 3 का क्या होता है, 12 ही तो होता है, क्यूब का फॉर्मूला बनाना है, ध्यान से देखना, ए क्यूब बन गया। अब राहुल ने कहा बी क्यूब, इसका मतलब इसको यहाँ पे घसीट के लाओ, क्या करेगी क्यूब बन जाए कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इधर देखें, इधर देखो, प्लस क्या है 3 ए स्क्वायर बी, 3 का 3 एरा, ये वाला ए स्क्वायर बी, अब यहां मत देखना सर मैं 10 पावर को तोड़ ही नहीं पा रहा था, अरे तो मत तोड़ो, ए स्क्वायर बी है ना, यहां से ए पकड़ लो ना, कितना है कॉस टू दी पावर 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ना, बी कितना है, बी कॉस स्क्वायर, और अब इसको सेट करके देखो, आपने गलत तो नहीं लिखा है आरुष, 4 2 8 8 और 2 बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्या है, प्लस का 3 ए बी स्क्वायर, ए कितना है यहाँ देखो, यहाँ कॉस टू दी पावर 4, बी स्क्वायर कितना है, बी कॉस स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, सेट करके देखो 2 2 4 4 और 4 8, बहुत बढ़िया, ये तो सेट हो गया पूरा, यानी कि इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख तो दिया। अब आगे की चीजें, इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, 2, क्या बचेगा 4 और क्या बचेगा, क्या बचेगा, सॉरी माइनस का 1, 2 तो कॉमन ले लिया। आगे देखें इस लाइन को, बेटा हमने ये तोड़ तो दिए चारों, लेकिन ये किसके फॉर्मूले में तब्दील हो गया, बदल गया, a प्लस b का a की जगह क्या है 4, b की जगह क्या है का q प्लस इस वाले को देखें 2। अब यहाँ पर राहुल भाई ने देखा कॉस टू दी पावर 4 बार बार आ रहा है नहीं है, लेकिन अब अभी जो बच्चा बोला था, किसी ने भी बोला हो, उसकी बात सही हो गई, दोनों तरफ क्या कर दें, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस टू दी पावर 4 हो गया, इसका कॉस टू दी पावर 4 इस पर स्क्वायर आ गया, हो गया। अब कॉस टू दी पावर 4 की यानी कि जो वैल्यू है साइन स्क्वायर, वो मैं यहाँ लगाना चाहूंगा, लगा लूं, आगे वाले को मत बदलना, बताओ क्यों नहीं बदले, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो बदलो ही मत इनको, तो ऐसे ही लिख दो। अब इधर सुनो, इधर भी कॉस टू दी पावर 4 है, ऊपर से क्या लिख लो इसकी जगह साइन स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर जैसा है चलने दो, का होल क्यूब, ये 2, हाँ क्या हो गया कितना, बाद में देखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का क्यूब, और ये 2 इंटू 0, 1 का क्यूब 1 और 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 यही वैल्यू है इसकी, फाइंड द वैल्यू पूछी थी, इसका आंसर 1 है, सही है, समझ में आया पक्का, कोई स्टेप ऐसा जिसमें डाउट रहा हो अभी तक, बहुत बढ़िया, नोट करिए, बिल्कुल सिंपल था।